विजिबल है? ओके, यस मैम, विजिबल है। अच्छा कोई मुझे बताएगा स्ट्रिंग क्या होती है? बास स्टूडेंट ने यूज की है वैसे स्ट्रिंग्स, क्या होती है स्ट्रिंग्स? मैम इसके अंदर कैरेक्टर्स वगैरह यूज कर सकते हैं बहुत ज्यादा। वेरी गुड। इसके अलावा हाँ जी, तो ये स्टूडेंट कह रहे हैं कि स्ट्रिंग जो चीज़ है, जैसे हमने करेक्टर कहा, इंटीजर कहा, फ्लोट कहा, डबल कहा, तो स्ट्रिंग कुछ इस तरह की चीज़ है कि जिसके अंदर मल्टीपल करेक्टर सेव कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल करेक्टर्स मतलब लेट्स से आपका नाम क्या है? सफवान सफवान। सफवान इट्स मीन सफवान का नाम हम अगर सेव करना चाहते हैं तो सफवान का नाम हम स्ट्रिंग के थ्रू सेव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम 10 वेरिएबल्स ना यूज करें, मतलब एस के लिए अलग वेरिएबल रखें, जो भी स्पेलिंग है, एस ए के लिए अलग रखें, एफ के लिए अलग, तो बेटर ये है कि जैसे हम एरे का एक कंटेनर ले लेते थे तो हम टाइप स्ट्रिंग रख लें, मतलब हम उनको इकट्ठा कहीं सेव कर लें। ठीक है, तो वेरी गुड सफवान। इन सी प्रोग्रामिंग, थैंक यू वेलकम, इन सी प्रोग्रामिंग अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड विद अ नल कैरेक्टर। इसको आप अवॉइड करें। ये क्या कह रहा है? स्ट्रिंग क्या है? इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब जब कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं सेव किया जाता है तो वो स्ट्रिंग होती है। मतलब इन अदर वर्ड्स, करेक्टर्स का जो भी मजमुआ है उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, करेक्टर्स लाइक अगर मैं कहूँ इन सी प्रोग्रामिंग अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर टर्मिनेटेड विद अ नल करेक्टर दिस, तो ये पूरी एक स्ट्रिंग है। मतलब ये पूरी जो लाइन है, दिस इज अ स्ट्रिंग। हम इसे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रिंग सेव हो रही है। अब सी में जाहिर सी बात है, हम जब इंटीजर डिक्लेयर करते हैं उसका भी एक तरीका होता है, स्ट्रिंग जब डिक्लेयर करेंगे या स्ट्रिंग यूज करेंगे तो उसको भी लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम? उसकी टाइप क्या परसेंट रखेंगे? एस हाँ जी, परसेंट एस करेंगे। हम एरे में स्टोर कर रहे हैं ना, टाइप हम रख रहे हैं करेक्टर टाइप। ठीक है, यस हमने परसेंट एस इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर, हम वो भी बताते हैं। जैसे हम लेट से इंटीजर, वेरी गुड सलमान, ये कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं कि अगर हम इंटीजर टाइप यूज करते हैं तो हम उसके साथ क्या लिखते थे? परसेंट डी। ठीक है, तो हम जब स्ट्रिंग यूज करेंगे तो उसके साथ परसेंट एस लिखेंगे। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। तो दैट मीन्स डिक्लेयर कैसे होगा? करेक्टर एरे टाइप की आपने एरे टाइप का एक करेक्टर कंटेनर ले लिया है, मतलब इस एरे में करेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर होंगी। ठीक है, और आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया है, उसमें आपने सेव क्या किया है? सी, छोटी सी स्पेस है, फिर उसके पास स्ट्रिंग है। ठीक है, मतलब आपने इस एरे कंटेनर में सी स्ट्रिंग सेव करा दी है। तो एरे कैसा होता था? हमने कहा था इस तरह की कुछ कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती थी, मतलब लेट्स से 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर करा देते थे। ठीक है, कंजेक्टिव मेमोरी में, तो वही बात है कि हमने कोई एरे ली है और उसमें ये स्ट्रिंग हम सेव करवाना चाहते हैं, राइट? हम मेमोरी की अगर बात करें तो ये क्या है? एरे, अब हमने डिफाइन नहीं किया, हमने इसका इंडेक्स डिफाइन नहीं किया, हमने साइज डिफाइन नहीं किया, सो दैट मीन्स हम अपने अकॉर्डिंग, मतलब जहाँ भी जितनी भी ये मेमोरीज इसको रिक्वायर्ड है, ये इसको एलोकेट कर देगा। कितनी चाहिए होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोकेशंस चाहिए। ठीक है, तो एक सी यहाँ स्टोर हो गया। अगर मैं फॉर ईज इस एरे की जगह ऐसे लिखूं, ठीक है, मतलब पूरा एरे ना लिखूं, ऐसे डिक्लेयर कर दूं, तो सो दैट्स मीन ए ऑफ 0 ये लोकेशन होगी, ए ऑफ 1 ये लोकेशन होगी, ए ऑफ 2 ये लोकेशन होगी, ए ऑफ 3 ये लोकेशन होगी, ए ऑफ 4, ए ऑफ 5, ए ऑफ 6, ए ऑफ 7। ठीक है, ये वाली एरे कितनी 7 लोकेशन इस स्ट्रिंग को सेव करने के लिए रिजर्व कर देगी। ठीक है, अब ये क्या है, कोई मुझे बता सकता है ये क्या लिखा हुआ है? ये तो हमने सेव ही नहीं कराया, यहाँ पे सी स्ट्रिंग ही सेव करवाया उसने, कुछ अजीब सी चीज अपने पास सेव कर दी है। किसी ने कभी देखी है या कुछ समझ आ रही है? मैम ये सेव
स्ट्रिंग में टर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है कि अगर आपने मतलब बस इतनी वैल्यूज एंटर करवानी है तो उसके बाद खत्म हो जाएगी। मतलब हमने खुद बताने की हमें जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे हमने खुद उसे नहीं कहा, हमने सिर्फ कहा है सी स्पेस स्ट्रिंग, तो उसने ऑटोमेटिकली क्या किया, उसने कहा कि ये यहाँ पे क्योंकि ये क्लोज हो चुका है तो ये टर्मिनेट हो चुका है, इस स्ट्रिंग के साथ आगे का कोई पार्ट नहीं है, तो ये क्या कर देगा एक मैम लोकेशन में। जी जी लोकेशन 8 पे आप बोलें। जी ये गार्बेज, हाँ जी ये गार्बेज वाली जो जीरो जो नहीं लिखा गा है स्ट्रिंग जो हमने जी आप कह रहे हो ये जी। गार्बेज वैल्यू है। यस मैम अच्छा मे भी आप राइट हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो इसका मेजर फंक्शन है वो ये है कि टर्मिनेट कर देता है, ठीक है, नल करेक्टर, कि आपने बता दिया कि जी दिस स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड नाउ, क्लोज हो चुकी है, इसके आगे हमने कुछ भी नहीं लिखना। मे भी आप राइट हो, आई विल चेक दैट। ओके ओके लेकिन गार्बेज वैल्यू नहीं होनी चाहिए ना, गार्बेज वैल्यू तो फिर वो इस डेटा को खराब कर देगी ना, लाइक लेट्स से गार्बेज वैल्यू में अगर 8 यहाँ पे सेव कर देता है तो इस स्ट्रिंग में तो फिर 8 इसका पार्ट नहीं है ना, ये इसका मेजर पर्पस ही यही होता है कि हाँ जी ये जो हमने स्ट्रिंग लिखना चाह रहे हैं ये यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, इसके आगे इसका कोई पार्ट नहीं है। अब आपने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी होगी, यहाँ पे क्या थी, स्पेस थी ना, तो उसने स्पेस के लिए भी एक प्लेस रिजर्व की है, मतलब जो टैब है या लेट से दो दफा टैब दबाई हुई है आपने, स्पेस दबाई हुई है, तो आपने क्या इसने क्या किया, एक स्पेशल स्पेस इसके लिए भी रिजर्व कर दी है, ठीक है, मतलब यहाँ पे स्पेस थी ना सी स्पेस स्प्रिंग, तो यस यहाँ पे उसने एक जो है स्लॉट इसके लिए रिजर्व कर दिया है सी स्ट्रिंग, ठीक है। लिखने का तरीका इजी है, करेक्टर टाइप की वैल्यूज हैं, ठीक है, क्योंकि करेक्टर टाइप की हमने डेटा टाइप डिफाइन करनी है ना, स्ट्रिंग इटसेल्फ डेटा टाइप तो नहीं है ना, तो करेक्टर डेटा टाइप है। आपने कहा करेक्टर टाइप का डेटा हम स्टोर करने चाह रहे हैं, एरे उसका नाम है, हमने साइज डिफाइन नहीं किया और हमने स्ट्रिंग क्या सेव कर दी, सी एंड स्ट्रिंग, लेट से मैं ये पूरी स्ट्रिंग भी सेव करा सकती हूँ, लिख सकती हूँ सी दिस 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 फ्लां फ्लां फ्लां, तो ये पूरा मेमोरी में स्पेस रिजर्व कर देगा इसके अकॉर्डिंग। तो ये तो हो गया मेमोरी से रिलेटेड, हम लिखने का तरीका देख लेते हैं। अब जैसे हम बार दफा कहते थे ना, हमने रिजर्व इधर हमने रिजर्व नहीं की, ठीक है, यहाँ पे हमने रिजर्व कर दिया है, करेक्टर टाइप का डेटा टाइप है, मतलब डेटा किस तरह का है, करेक्टर टाइप का है, एस इज द एरे नेम, 5 इज व्हाट, कितने साइज की है, 5 साइज की है, 0 से स्टार्ट होगा, एस ऑफ 0, एस ऑफ 1, एस ऑफ 2, एस ऑफ 3, एस ऑफ 4, ठीक है, तो इट्स मीन कि ये डिक्लेयर कर दिया गया है, हमने क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, और लेट से मैं इसमें सेव करना चाहती हूँ ए बी सी डी, लेट से डी, तो चौथी स्ट्रिंग जो होगी वो क्या होगी, जो नल सीक्वेंस होती है हमने पढ़ा नल करेक्टर, वो ऑटो एक स्पेस उसके लिए ले लेता है, ठीक है। लिखने के तरीके कितने हैं, हाउ टू इनिशियलाइज स्ट्रिंग, ये तो आपने डिक्लेयर किया है ना, डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन में फर्क होता है, मतलब डिक्लेयर जैसे मैं कहती हूँ ओके इंटीजर आई, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया है, लेट्स से मैं कह देती हूँ करेक्टर ए ऑफ 0, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया है। इनिशियलाइज क्या है कि आपने कोई वैल्यू दी है, ठीक है, कोई मुझे बताएगा ये पहली स्टेटमेंट क्या है, दिस क्या नजर आ रहा है इसको देख के, हाँ जी उठ जाओ सारे, उनको करेक्टर टाइप वैल्यू लिया जो ABCD हाँ जी इनिशियलाइज करवाया। मतलब आपने ABCD उसको इनिशियलाइज भी करा दिया है। अगले में क्या किया आपने, 15 स्लॉट रिजर्व किए हैं और ABCD सेम तरीके से कर दिया है। अगले में क्या किया है आपने, इनिशियली जैसे आप कह रहे हो ना, आप इट सेल्फ कह रहे हो ए ऑफ 0 पे ये पड़ा हुआ है, ए ऑफ 1 पे, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इट सेल्फ पूरी स्ट्रिंग है, मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ स्ट्रिंग है ना, मतलब करेक्टर्स है तो ये स्ट्रिंग बन जाती है, इसमें आप इंडिविजुअल करेक्टर सेव करा रहे हो, मतलब जैसे आप लिखते थे ना इंटीजर लेट से सी और 1 2 3 4 5,
तो करेक्टर को जब लिखा जाता है तो उसको लिखने का तरीका ये होता है, लाजमी है कि आप ये कॉमास डालें, नजर आ रहे हैं ना, ये स्ट्रिंग के लिए जरूरी है कि डबल कोटेशंस डालें ये, ठीक है। दिस इज साइंटिक्स। अगर आप करेक्टर सी और दिस एरे का साइन, और फिर अगर आप ए बी सी डी लिखोगे तो ये एरर आ जाएगा। सेम अगर आप इंडिविजुअल करेक्टर सेव करा रहे हो और ये इस तरह नहीं लिख रहे तो भी एरर आएगा, क्योंकि करेक्टर टाइप वैल्यूज हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सिंगल कोटेशंस में लिखे जाते हैं ये इस तरह। तो ए बी सी डी, और इस तरह आप खुद भी रिजर्व कर सकते हो। ओके जी, चौथी स्पेस हमने रिजर्व कर ली है इसके लिए, सॉरी पांचवी, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे आपने 5 स्पेसेस रिजर्व करा ली हैं, और पांचवी स्पेस में आपने खुद कह दिया है कि अच्छा जी मेरी स्ट्रिंग टर्मिनेट हो चुकी है। समझ आ रही है? यस मैम। अच्छा, ये कोशिश करें अपने सिस्टम पे लिखने की, जैसे आप वेरिएबल इनिशियलाइज करते थे ना, आप लिखते थे, लेट्स से मैं कह देती हूँ इंटीजर एरे टाइप 5, ठीक है, और मैं अंदर उसकी वैल्यू दे देती हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, यूं कर देती थी। तो अब सेम वही तरीका है, एरे के थ्रू आपने किया है, अब यूं लिख रहे हो। डिफरेंस क्या है कि जब आप करेक्टर टाइप की वैल्यूज एरे में स्टोर कराओगे, अगर सिंगल करेक्टर करोगे तो ये डालना जरूरी है, अगर आप ये नहीं डालोगे तो इट्स एरर, राइट। सिंगल करेक्टर के लिए आप ये लिखोगे, और अगर स्ट्रिंग आप सेव कराना चाहते हो तो उसके लिए मस्ट है कि आप ये डबल कोटेशन डालें, आप डबल कोटेशन नहीं डालेंगे तो इट्स एरर, राइट। तो डिफरेंस है कि आइदर आप स्ट्रिंग लिखना चाह रहे हो कंप्लीट, या आप सिंगल करेक्टर स्टोर कराना चाह रहे हो। ट्राई करें, मैं कोड भी शो कर देती हूँ। कोई मुझे बता सकता है ये क्या करेगा?